हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है, आज हमने बनाए सोबदी के लिए अरसे। तो उसकी कैसे बनते हैं अरसे, उसकी पूरी प्रोसेस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग भी देख सकते हो किस प्रकार से जब लड़की मायके से घर वहाँ जाती है, ससुराल जाती है, तो उसके बाद उनके लिए अरसे बनाए जाते हैं। तो हमने भी उसके लिए अरसे बना रखे हैं, क्योंकि वो जाने वाली है 11 तारीख 13 तारीख को जाने वाली है। तो हमने बना के रख दिए हैं, तो आपको बताएगी मामी जी, आपको पूरी प्रोसेस बताएगी कि किस प्रकार से अरसे बनते हैं। तो जो कल रात का चलिए देखते हैं, चावल हमने भिगोए थे, उसको अब इस प्रकार से उसको बारीक किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोसेस चल रही है। भाभी लोग इसका पेस्ट बना रहे हैं, इसको कूट करके बारीक कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसके अरसे तैयार करेंगे। इसकी जो प्रोसेस है, किस प्रकार से अरसे तैयार किए जाते हैं, वो आपको मामी जी बताएगी। और मामी जी यहाँ पे ये भी बता रही हैं कि ये यहाँ पे जो कंडाली रखी हुई है वो क्यों रखी जाती है यहाँ पे। तो आप तो मामी जी प्रोसेस बताओ इसकी, कैसे बनता है। नाप के गुलने पानी में भिगोने रखते हैं, अगले दिन इस छन्नी में छानते हैं और उसके बाद ओखली में पकते हैं। फिर इस छन्नी में छानते रहते हैं, तब तक उसके बाद ही पंखा रहते हैं। उनको छानते छानते कूटते कूटते उसके बाद हम आगे दूध का साथ बनाएंगे, उसमें चावल का पिसा हुआ आटा डालेंगे। फिर आगे की प्रोसेस आगे बताएंगे, अभी तक चावल कूटने तक। फिर आज साथ से बनने शुरू होंगे, तो फिर उसके बाद जैसे जैसे निकलने थोड़ा इतना रह जाएगा तब तक कूटते रहना। पीड़ा क्या है ये? हमारा चावल का आटा जो है पीठा बोलते हैं, ये पूरी के तैयार हो चुका है। चावल गुड़ के साथ मिलाने के आग जल चुकी है, गुड़ भी कुट रहा है। और इसके बाद हम अब गुड़ का चास बनाएंगे। उसके बाद से सब आपको जब गुड़ चूल्हे में रहेंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक है। हमने 6 किलो चावल में 8 किलो पौने 8 किलो घी डाला है। अब देखने का कैसा होता है। 4 किलो 3 किलो 3 किलो 6 किलो। हमारी बहू है कितना जोर लगा रही हाथ
राम रोहन पर्ण ये खनन पर्ण अदि ने बाप ना आता जो हम आता बने अरसा जी जल्दी बने और तो ज्यादा ज्यादा रहे इसलिए ये आरसे बन रही है, इसकी बहन की शादी हुई, तो शादी के आरसे तो खत्म हो गए हैं, और ये उसके बदले के आरसे बनवा रही है अपनी मम्मी से, कि मेरे लिए भी आरसे बनाओ, और देखो इसके ताकत, उसकी ताकत देखो, ये घुमा रही है, अपने वालों ये घुमा नहीं पा रही है, नई नई शादी हो रखी है, तो इसकी शादी के उपलक्ष्य में ये आरसे उसकी दीदी के लिए बन रहे हैं, हमारी बड़ी भांजी थोड़ा अपने लिए भी ले जाएगी वो खाने के लिए, हमारे बेटे वहाँ रहते हैं जिसमें बॉर्डर स्काउट में, हाँ बॉर्डर स्काउट में रहते हैं वो जोशीमठ, और वहाँ से क्या कहते हैं उत्तरकाशी से बहुत बहुत गर्म चीजें लाते हैं ना खाने के लिए, तो उनपे देखो ताकत अपना दिख रही है। पानी के साथ पक चुका है, दिल का साथ तैयार हो चुका है, दिल का पाठ तैयार हो चुका है, अब हम इसको एक थाली में पानी रख के ऐसे इसको देखेंगे, जब इसकी गोली बन जाएगी ऐसे पानी में, तब ये बनने के लिए तैयार हो चुका है। मेरे को जुकाम भी लग रही है, मेरी आवाज़ बैठ रखी है पहला, बस अब ये गुड़ जो है ये तैयार हो चुका है, ये पानी में ये घुल नहीं रहा है, इसकी गोली बन गई है, अब हमारा गुड़ तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल देंगे। चलो भाई पकड़ो पकड़ो गोले को, पकड़ो 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 यहाँ पर, बस हाँ अब इसमें आटे डालने की प्रोसेस तैयार हो गई, ये गुड़ का पाक गुड़ का चास पक के तैयार हो गया, ये
और ये सोनी बड़ी मुश्किल से एक काम दिया और वो मुझे बोल रही है कि तू कर ये काम, ये काम कर रही है, कंडी में डाल रही है वो, इधर उधर से लगा रही है। आप लोगों के कमेंट का इंतजार है, कैसे बने हैं फटाफट कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और क्या बोलते हैं शेयर करो, हाँ शेयर करो भाई, शेयर करो फटाफट। देखो ये अर्थ देखो, अब बता दो